सर, ये आपका ब्लूटूथ लॉक S-BL100 है। अभी इसका मोबाइल में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे इसकी वर्किंग है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके साथ ये आपकी चाबीज हैं, की फोर नंबर ऑफ कीज, ये कार्ड है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पेयर करते हैं, इसमें कैसे ऐड करते हैं। फिलहाल एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। ये एप्लीकेशन है आपका TT लॉक, जूम करके दिखा देगा सर को, ठीक है। ये TT लॉक है सर, इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो मैंने इसमें किया, अपने यूज़र नेम पासवर्ड एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है। पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो यूज़र नेम पासवर्ड होने के बाद आपका इस तरह से ओपन होगा। लॉक ऐड करने के लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड लॉक में जाएंगे, तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है और लॉक्स वाले, इस पर क्लिक करेंगे और सेम टाइम पर यहाँ पर की वाले बटन को प्रेस करेंगे। लॉक का जो की वाला बटन है, ये वाला, इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये लॉक आ जाएगा आपका। इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, लॉक में से बीप आएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कुछ भी नेम ऐड करने के लिए, तो इसमें मान लो नाम डाल देता हूँ, थोड़ा गूगल कर ले मोबाइल अभी। मान लो मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, XYZ, ओके करा। ओके करने के बाद ये आ गया, ये मेरा लॉक है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह का स्क्रीन आपका ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ा दूर में, अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लॉक के साथ ही कम्युनिकेशन करेगा, लॉक में से एक बीप आएगा और लॉक आपका ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। लॉक क्लोज करेंगे, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, और दो तीन और ओपन करके थोड़ा पीछे ले, थोड़ा सा यहाँ पे जो नहीं होता है, ये देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपका लॉक के साथ कम्युनिकेशन करेगा, इस तरह का ग्रीन लाइट जलेगा और यहाँ पे अनलॉक सक्सेसफुल। डोर ओपन करेंगे, डोर क्लोज करेंगे, ठीक है सर। और देख सकते हैं आप, अब इसमें कुछ फीचर हैं एप्लीकेशन में, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन है सेंड ई कीज़, इसमें जाएंगे तो आप क्या, जैसे सेम एप्लीकेशन कोई और दूसरा कस्टमर आपका यूज़ कर रहा है, उसको आप ई कीज़ सेंड कर सकते हैं, तो उनका अकाउंट नंबर पूछेगा यहाँ पे, से रिसिपेंट में जा करके ना, एंटर रजिस्टर्ड अकाउंट, उनका नाम, स्टार्ट टाइम, कब से कब तक उनको वैलिड करना है, ठीक है, उनको एडमिन बनाना है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर सकते हैं और उनको सेंड कर सकते हैं। सेंड कीज़ में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, परमानेंट है कि भी उनकी जो की भेज रहे हैं उनको परमानेंट करना है लाइफ टाइम के लिए, वन टाइम केवल एक बार यूज़ कर पाएँ, और ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, वैलिडिटी पीरियड डाल सकते हैं कब से कब तक। ये कुछ ऑप्शन है आपके सेंड कीज़ में। एक ऑप्शन होता है जनरेट पासवर्ड, पासवर्ड मतलब पासवर्ड होता है एक तरह से, इसमें जाएंगे यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, परमानेंट पासवर्ड करना, टाइम कब से कब तक, वन टाइम केवल एक बार ही पर आपका यूज़ हो पाएगा, कस्टम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अभी इसमें आपको एक वन टाइम वाला पासवर्ड लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे आप नाम डालोगे, जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद ये अपने आप एक पासवर्ड बनाएगा वन टाइम वाला, ये पासवर्ड आएगा 3874311000। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3874311000 और की वाला बटन प्रेस करना, डोर आपका ओपन हो गया, फ्री हो गया। अब यही पासवर्ड है, मैं दोबारा ट्राई करूँगा, आपको दोबारा दिखा दूँ, एक बार बीप लगाएगा आपका 3874311000 3874311000 इनवैलिड का बीप है, आपका डोर ओपन नहीं होगा, हैंडल, तो ये वन टाइम था यूज़ होगा। इस तरह से आप अपने पासवर्ड बना सकते हैं, काफ़ी सारे पासवर्ड हैं। फिर इसमें एक ऑप्शन आता है ई कीज़, इसमें आपके ई कीज़ का रिकॉर्ड होगा कि आपने किस किस को ई कीज़ भेजी है, ये रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद आपका है पासकोड का, इसमें सारे पासकोड होंगे, लॉट में ना डिफरेंट आ जाता है। ये आपका पासकोड हो गया सर, पासकोड का रिकॉर्ड। IC कार्ड, यहाँ पे आपके कार्ड ऐड होंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड IC कार्ड में जाएंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा परमानेंट या टाइम्ड, टाइम्ड में जाएंगे तो आपसे पूछेगा कब से कब तक करना है, तो मैं ही मान लो परमानेंट कर रहा हूँ, परमानेंट हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ नाम डाल देंगे, कोई भी नाम XYZ जैसे ही मैं डालता हूँ इसमें कुछ भी नाम, और ओके करेंगे। अब इस कंडीशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉक पे आपको कार्ड शो करना है,
जैसे यहाँ पे कार्ड शो करेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा ऑपरेशन सक्सेसफुल और एक कार्ड आपका ऐड होगा। ऐड होने के बाद इससे मैं वर्क कर सकता हूँ। डोर ओपन हो गया, ये कार्ड ऐड हो गया। एडमिन अथॉरिटी में आप किसी को एडमिन बना सकते हैं, इसे क्रिएट एडमिन करेंगे। यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर पूछेगा, उनके अकाउंट नंबर को उनका नाम डालेंगे, कब से कब तक वैलिड करना है उनको एज एडमिन, और सेंड कर देंगे तो वो एडमिन बन जाएंगे दूसरे अकाउंट वाले। बाकी रिकॉर्ड्स हैं आपके, कब गेट ओपन हुआ है, कैसे ओपन हुआ, वो सारे रिकॉर्ड्स इसमें आएंगे, किस अकाउंट से ओपन हुआ है। सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में आप अपना कोई नाम डाल सकते हो। फर्मवेयर वगैरह अपडेट करना तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है फर्मवेयर का ना, यहाँ से आप अपने आप फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा लॉक का। कीज़ आपको दिखा दिया, ये कीज़ हैं इसमें, 4 कीज़ इसके साथ आती हैं। कीज़ सेंडी कीज़ हो गया, पासवर्ड हो गया, ये दोनों रिकॉर्ड्स हैं आपके, इनमें आपका रिकॉर्ड्स आएगा। कार्ड ऐड हो गया, आईसी कार्ड चलते हैं इसमें, और बस इसी में ये सर। थैंक यू।